गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस और आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो को बनाना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड कर लेना है। और आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस काइनमास्टर में आने के बाद आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना। और हाँ गाइस जो मैं आपको बताता हूँ सेम टू सेम आपको वही करना है, वीडियो आपका पूरा परफेक्ट बन जाएगा। ओके सो काइनमास्टर में आना और आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना और यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो साइज है 9x16 का इसको सिलेक्ट करना है और नीचे जाना है, फिल करना है। फिल करने के बाद फिलहाल के लिए आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इमेज पे। सो ये काइनमास्टर में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस यहाँ से एक ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड हमें सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका लेंथ इस प्रकार से आपको बढ़ा देना है फिलहाल के लिए। अब इसका लेंथ मतलब रख लेना 15-16 सेकंड के आसपास। सो गाइस फिर आपको शुरू में आना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और ये वाला लिरिक्स वीडियो को एडिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके सो डाउनलोड कर लेना आप। सो गाइस अब गाइस क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका जो एक्सट्रैक्ट ऑडियो यहाँ पे निकाल लेना है। ये लो जो ऑप्शन सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके। ओके सो इसका सॉन्ग यहाँ पे आ चुका है, निकल चुका है। अब गाइस क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ देखो गाइस यहाँ पे 13.450 सेकंड के आसपास। और यहाँ पे आने के बाद इस ब्लैक बैकग्राउंड को ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद यहीं पे इस लिरिक्स में भी आपको कट लगा देना है। ओके ये वाला कट लगाना है, ये वाला। सो ये वाला कट मतलब इससे हमारा इसमें कट लग जाएगा। ओके सो लिरिक्स में कट लग चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब गाइस क्या करना है, इधर जो लेफ्ट साइड में जो लिरिक्स इधर है इसको क्या करेंगे हम, इस प्रकार से रोटेट कर देंगे। ओके रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद साइज को फुल कर देंगे इस प्रकार से। ओके इतना कर लेना है आपको। इतना करने के बाद इधर का जो लिरिक्स है इस पर क्लिक करना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है। ओके अभी तो फिलहाल के लिए ये फिलहाल के लिए ये तो काम नहीं करेगा, फोटो सेलेक्ट करने के बाद हम इसको मतलब सब कुछ कर लेंगे इस लिरिक्स का। बाकी इधर हमारा ये काम हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। अब गाइस क्या करना है आपको, सेटिंग में जाना है, एडिटिंग में जाना है। फोटो ड्यूरेशन का जो ऑप्शन है इसको आपको 1 सेकंड के आसपास रख लेना, मतलब इतना रख लेना। सो गाइस फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना। ओके सो गाइस मैं बस कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको बताने के लिए, बाकी आप देख लेना कि आपका कितना फोटो यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि मैं इसमें मैं गिना नहीं हूँ इसलिए मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे कितना फोटो आपका लग जाएगा। ओके सो मैं यहाँ पे कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ बस आपको बताने के लिए, तो आप समझ ही जाओगे मैं बता दूंगा। तो सो गाइस यहाँ पे मैंने फोटो को सिलेक्ट कर लिया है। अब गाइस क्या करना है, सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला इमेज तो हमारा ट्रिम है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, बाकी आगे जाना है। और आपको यहाँ जो बीट का स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पे आपको ट्रिम कर लेना है। ओके सो बीट आपको यहाँ पे सीधा सीधा सॉन्ग में बीट दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो बीट ये जो है ना पूरा बीट है। ओके ये जो बड़ा वाला है ये पूरा बीट है, तो हमें बीट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हम जाएंगे और इस मतलब इस इमेज को ट्रिम कर लेंगे। तो ट्रिम कौन सा करेंगे हम, ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये वाला करेंगे। ओके कैचे आइकन पे क्लिक करके। सो यहाँ पे हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको आगे जाना है और ये जो बीट रहेगा इसका जो एंड में एक और बीट होगा छोटा सा, उस पे जाके अपनी इमेज को ट्रिम करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा बीट है ना। सो आपको वहीं पे जाके अपनी इमेज को ट्रिम करना है। ओके सो फिर आपको आगे जाना, उसी प्रकार से बीट के स्टार्टिंग में ट्रिम करना है पहला इमेज को, और आगे जाके जो छोटा सा बीट आपको दिखाई दे रहा है इस बीट के एंड में वहाँ पे आपको ट्रिम कर लेना है। तो यही प्रोसेस है आपको इस प्रकार से करते जाना है वन बाय वन करके। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हूँ। ये देखो गाइस मैं इसी प्रकार से कर रहा हूँ, इधर बीट है तो यहाँ पे कर लेता हूँ और ये बीट के स्टार्टिंग में मैं कर लेता हूँ ट्रिम अपनी इमेज को। सो आप लोग देख सकते हो, और इधर आपको कर लेना है बीट के एंड में। सो यही आपको यही इसी हिसाब से आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है, पहले बीट के स्टार्टिंग में फिर बीट के एंड में जाके जो एक छोटा सा बीट है वो आप सुन लेना सॉन्ग में, सही से सुनोगे तो आपको सुनाई दे देगा, बाकी आप देख लेना। सो गाइस इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करते जाना है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतना मैं कर लिया हूँ, और इधर भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। सो आपको इसी प्रकार से वन बाय वन करके सभी इमेज को ट्रिम कर लेना है, जितना इमेज आप सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे ट्रिम कर लेना। ओके सो ये आप लोग देख सकते हो मैं ट्रिम कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको करना है, पहले बीट के स्टार्टिंग में और बीट के एंड में आपको करना है। ओके सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, तो आपको इसी प्रकार से सभी इमेज को यहाँ पे ट्रिम कर लेना। तो मैंने कुछ इमेज को सिलेक्ट किया था, सभी को मैंने ट्रिम कर दिया है, बाकी इधर आपका ज़्यादा फोटो रहेगा तो आप सभी इमेज को ट्रिम कर लेना वन बाय वन करके। ओके अब गाइस आपको करना क्या है, इतना करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो ये लिरिक्स वीडियो को साइज को थोड़ा सा बढ़ा देना है, इंक्रीज करने के बाद इसको नीचे साइड लाना है, और नीचे साइड लाना है, इसको नीचे साइड में लाने के बाद यहाँ पे बिठा देना है, एडजस्ट कर देना। ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से ये एडजस्ट हो चुका है, तो आपको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है।
सो गाइस अब आपको क्या करना है, दो लिरिक्स सॉरी गाइस दो क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है, पहला एक स्वीट लिस्ट, दूसरा एक कॉल मी डीजे। इन दोनों को आप बीटसिंस ऐप से ही इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको बीटसिंस ऐप से क्लिप ग्राफिक्स को इंस्टॉल करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके सो गाइस आपको करना क्या है, सो सबसे पहला इमेज में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला, और अगला वाला इमेज में कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला या 3 नंबर वाला कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि आप 2 नंबर वाला सिलेक्ट करना। तो आप 3 नंबर वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो भी मुझे अच्छा ही लगता है। सो आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग देखते हो इसमें मैं कॉल मीडिया से 2 नंबर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको इस प्रकार से आप रिपीट करते जाना सभी इमेज में, और सेम टू सेम आपको वही करना है सर कि आप बीट में सुन सकते हो किस प्रकार से, तो आपको उसी प्रकार से रिपीट करते जाना है उसी प्रकार से जैसे मैंने सिलेक्ट किया था। ओके सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि पहला इमेज मैंने स्वीटली सिलेक्ट किया 5 नंबर वाला, अगला भी मैंने सेलेक्ट किया कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला। सो आगे फिर हम स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और आगे फिर जाके कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला। तो इसी प्रकार से आपको 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करके पूरा इमेज जितना भी इमेज रहेगा आपको यहाँ पे सभी में सेलेक्ट कर लेना है इसी क्लिप ग्राफिक्स को, यही दोनों क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है और बाकी कोई भी क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पे एड नहीं करना है। ओके सो इसी प्रकार से आप रिपीट कर करके सभी इमेज में यहाँ पे एड कर लेना। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें मैं स्वीट लिस्ट सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है। सो और इसमें मैं कॉल मी डीजे से 2 नंबर वाला सेलेक्ट कर लूँगा। तो आपको इसी प्रकार से 1 बाय 1 करके सभी इमेज में ऐड कर लेना। ओके सो बाकी इधर आप सभी इमेज में ऐड कर लेना, मैं कुछ इमेज को छोड़ दे रहा हूँ, बस आपको मैंने बता ही दिया है, तो आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर आपको यहाँ पे आना, जहाँ पे आपका इमेज आ रहा है वहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और ये साइडो इमेज को ऐड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो लेकिन ये अगर आपको साइडो इमेज डाउनलोड करना है उसके लिए आपको 40 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, तभी आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। ओके क्योंकि जो भी मटेरियल्स का लिंक मतलब अगर आपको मिलेगा तो वो वेट करने के बाद मिलेगा 40 सेकेंड। सो अब गाइस क्या करना है, इसका साइज बनाना, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है, इसको नीचे साइड रख देना। ओके और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे आपका फोटो आ रहा है, और यहाँ पे आने के बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करने के बाद ये लाइट फेयर वीडियो को एड करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके सो इसको एड करना है, साइज को इस पर से बढ़ा देना है, और ब्लेंडिंग में जाना है, स्क्रीन कर देना। ओके और इसको मैं इसमें कोई ऑडियो होगा उसको म्यूट कर देना है। इतना करने के बाद हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। मैं बस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, वैसे नॉर्मली आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से इसमें एड हुआ है सब कुछ, बाकी आप लोग देख सकते हो। फिर आपको शेयर का आइकन पे क्लिक करना है और अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करना है, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस असली इतना है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।